Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Learning Economics with Praveen Kumar once again. And today we are supposed to see the new topic. आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टेक्निकल है नेचर में. टॉपिक टेक्निकल होने का मतलब क्या है, वो थोड़ी सी उसमें हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स की. उसका रीज़न ये है कि जो जिस क्वेश्चन को हम आंसर करना चाह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बिना उसके हम उसको आंसर भी नहीं कर पाएंगे. तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि जब कभी भी हम लीनियर डिमांड फंक्शन बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन जब कभी भी हम बनाते हैं, तो उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम एम आर कर्व बनाते हैं वो उसके हाफ द वे क्यों होता है. बात समझ में आ रही है? उसको हम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाई डू एम आर कर्व इज हाफ द वे ऑफ ए आर कर्व इन केस ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शन. कि लीनियर डिमांड फंक्शन के केस में जो हम एम आर कर्व बनाते हैं वो ए आर कर्व के हाफ द वे क्यों होता है. किस केस में? लीनियर डिमांड फंक्शन के केस में. अब सबसे पहले सवाल आता है कि लीनियर डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है. लीनियर डिमांड फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन. कैसे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जब हम एक डिमांड फंक्शन हमने बनाया, लेट अस अज्यूम हेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी, हेयर आई एम राइटिंग द रेवेन्यू और द प्राइसेस यू कैन सी. तो मैंने एक लीनियर डिमांड फंक्शन बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन. अब ये जो लीनियर डिमांड फंक्शन है स्ट्रेट लाइन, इसी को हम एवरेज रेवेन्यू फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइस लाइन है. इसी को एवरेज रेवेन्यू फंक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं. प्राइस लाइन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट प्राइसेस पर क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट प्राइसेस पर क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एम आर कर्व बनाते हैं तो टेक्निकली एम आर कर्व इसके हाफ द वे होता है. एम आर कर्व हाफ द वे होने का मतलब क्या है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूंगा वर्टिकल ओरिजिन पॉइंट से और इस पॉइंट तक, तो जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसका हाफ है. यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट जो है एम आर कर्व जहां पर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इस डिस्टेंस के हाफ द वे है. इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल यहां से लेता हूं तो इस डिस्टेंस का हाफ द वे ये होगा. अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूं तो इस डिस्टेंस का हाफ द वे ये होगा. यानी कि एम आर कर्व इसके हाफ द वे क्यों होता है, उसका रीजन क्या है. तो चलिए आज हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं. हम एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक लीनियर डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है. डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है किस तरह से, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. अब यहां पर P का मतलब क्या है? P है पर यूनिट प्राइस. A जो है, A है वर्टिकल इंटरसेप्ट. B वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है, अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को. B का मतलब है स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन. स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर B है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है dp अपॉन में dq को. B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dp अपॉन में dq, क्योंकि जो डिमांड फंक्शन है इसका अगर हम स्लोप बनाएंगे तो स्लोप क्या बनेगा? स्लोप कैसे आएगा? वर्टिकल चेंज अपॉन में हॉरिजॉन्टल चेंज. तो वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी है, इसलिए B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dp अपॉन dq को रिप्रेजेंट करता है. और q है क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड, यस और नो? तो ये हमें एक लीनियर डिमांड फंक्शन गिवन है. फंक्शन मतलब डिमांड कर्व गिवन है एक इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसको हम लीनियर डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं. अब ये गिवन है, ये इसके हाफ द वे क्यों होता है. तो जो इसमें ये ए पॉइंट है जिसको हमने वर्टिकल इंटरसेप्ट कहा है, तो ये ए पॉइंट यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है,
यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है इस डिमांड फंक्शन का, ये जो इंटरसेप्ट है, दिस इज ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. आई कैन राइट ए ओवर हियर. दैट मींस एट ए पॉइंट व्हेन एवर द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी जीरो, यहां मैं जीरो पुट करूंगा तो सिर्फ ए रह जाएगा. b इंटू क्यू इज क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो बन जाएगा ये, तो ये a रह जाएगा. तो सिर्फ यानी कि a प्राइस पर nobody is buying anything. This is what it actually means. और इस डिमांड कर्व का जो स्लोप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है b. तो अब यानी कि अब हमने ये पीछे वीडियो किया था, हमने जो इलास्टिसिटी वाला वीडियो हमने किया था, मैंने बनाया था, उसमें आप लोगों ने अगर जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू पर यूनिट प्राइस. एवरेज रेवेन्यू हमेशा पर यूनिट प्राइस के बराबर होता है. तो इसलिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू मैं लिख सकता हूं. देयरफॉर आई कैन राइट इट लाइक दिस, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू. तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस बी, या हम कह सकते हैं बी, बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ ए आर फंक्शन या ए आर कर्व. ये ए आर कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. यस और नो? तो ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे एम आर का स्लोप. एम आर का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टी आर निकालना पड़ेगा. टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो प्राइस हमें गिवन है क्या, पी हमें गिवन है ए माइनस बी क्यू इंटू में क्यू. तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इंटू में क्यू माइनस बी इंटू में क्यू. तो टोटल रेवेन्यू इज ए क्यू स्क्वेयर. तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ये आ गया. अब मार्जिनल रेवेन्यू हमें पहले, अब देखो हमें मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप निकालना है. तो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप निकालने से पहले हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट डिफरेंशिएटिंग टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट. कि टोटल रेवेन्यू को आउटपुट के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जिनको मैथमेटिक्स आता है दे नोज दिस, तो हमारे सामने मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा. तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देयरफॉर आई एम गोइंग टू गेट इट कि एम आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए ए माइनस 2BQ. ये मेरे पास आ गया क्या, मार्जिनल रेवेन्यू. ये मेरे पास क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू. अब मेरे पास एवरेज रेवेन्यू फंक्शन है, उसका स्लोप है B, मार्जिनल रेवेन्यू का मुझे स्लोप निकालना है. अब स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ MR क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग MR विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट. MR का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग MR विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट. तो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग ए माइनस टू बी क्यू विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस टू बी. तो इसका मतलब क्या आ गया, स्लोप ऑफ MR कर्व क्या आ गया, माइनस टू बी. और स्लोप ऑफ AR कर्व क्या है, माइनस बी. एक तरीके से ये माइनस साइन को अगर हम ले लेते हैं तो माइनस बी. तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमने ये प्रूव किया है, इससे ये प्रूव हुआ है कि स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस द, स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ ए आर. कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है वो डबल होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के स्लोप से, लीनियर डिमांड फंक्शन के केस में. तो इसका मतलब ये हो गया, स्लोप ट्वाइस होने का मतलब क्या है, जितनी स्टीपनेस या जितनी फ्लैटनेस इस कर्व की होगी उससे डबल स्टीपनेस इसकी होगी, जिसके कारण क्या होता है, ये इसका हाफ द वे चला जाता है. तो हमेशा किसी भी पॉइंट पर जब हम लेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के हमेशा हाफ द वे रहता है. तो दिस इज द रीजन, द रीजन इस क्वेश्चन का रीजन क्या है, क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू एम आर कर्व इज हाफ द वे ऑफ ए आर कर्व इन केस ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शन. द आंसर इज सिंपल एंड स्ट्रेट, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हैज इज हैविंग ट्वाइस द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शन. इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा हाफ द वे होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के इन केस ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शन. आशा रखता हूं आज जो मैंने समझाया आप सभी लोगों को समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच.